हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है, उस पर बात करते हैं। तो पहली अपडेट दोस्तों इंडिया और कुवैत फ्लाइट को लेकर है। तो अभी तक इंडिया के कुछ गिने चुने एयरपोर्ट से कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, ऐसे करके कुछ एयरपोर्ट थे जहां से फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अब आपके सामने लखनऊ से डायरेक्ट कुवैत जाने का भी विकल्प उपलब्ध है। गो एयर की फ्लाइट अब लखनऊ से कुवैत के लिए डायरेक्ट ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा सलाम एयर की फ्लाइट भी ऑपरेट हो रही है, जो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वाया मस्कत होकर जाएगी। तो ऐसे करके कुछ और फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो चुकी हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। तो अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट से कुवैत के लिए आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसके अलावा इनडायरेक्ट भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुवैत के लिए फ्लाइट के टिकट महंगे हैं। जो डायरेक्ट फ्लाइट के टिकट हैं गो एयर के, वो लगभग 95,000 के आसपास है। इसके अलावा इनडायरेक्ट फ्लाइटें भी उपलब्ध हैं। तो आप अगर दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद से कुवैत नहीं जाना चाहते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से ही आप कुवैत जाना चाहते हैं, तो लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आप कुवैत जा सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों इंडिगो की तरफ से है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने उम्मीद जताई है कि जिस ढंग से पूरा कारोबार, यानी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो लॉकडाउन से पहले जिस सामान्य ढंग से चल रही थी, जिस अच्छे तरीके से चल रही थी, उस तरीके से लौटने में दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। यानी दिसंबर 2021 तक एयरलाइंस इंडस्ट्री का पूरा कारोबार सामान्य ढंग से वापस लौट सकता है। और जिस तरीके से फ्लाइटें पहले ऑपरेट हो रही थी, लॉकडाउन से पहले ऑपरेट हो रही थी, ठीक उसी तरीके से दिसंबर के आखिर तक ये फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो सकती हैं और पूरा कारोबार पटरी पर लौट सकता है इस साल के दिसंबर तक। अगली अपडेट दोस्तों इंडिया सऊदी अरब फ्लाइट को लेकर है। तो इंडिया से सऊदी अरब अभी वही लोग डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं, डायरेक्ट वही लोग जा सकते हैं जो लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर छुट्टी पर इंडिया में आए हुए हैं, बाकी लोग वाया होकर ट्रेवल कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ समय पहले तक कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था सऊदी अरब का, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, दुबई, ओमान, बहरीन, इसके अलावा और भी कई सारे रास्ते थे जो बंद हो चुके थे। लेकिन अब लगभग लगभग सारे रास्ते ओपन हैं सऊदी अरब जाने के लिए। तो वाया अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो दुबई से भी जा सकते हैं और नेपाल से भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। नेपाल ने भी ट्रांजिट करने के लिए परमिशन दी हुई है। तो आपका बजट अगर थोड़ा कम है और नेपाल से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो नेपाल से भी अब आप सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके अलावा किसी तरीके की एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है। पहले एनओसी की ज़रूरत होती थी नेपाल से सऊदी अरब जाने के लिए। जो इंडियन पैसेंजर ट्रांजिट करते थे, 14 दिन स्टे होकर सऊदी अरब जाते थे, वो एनओसी भी लेते थे। लेकिन नेपाल से आपको सऊदी अरब जाने में एनओसी की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा नेपाल से सऊदी अरब जाने में आपके कई फायदे हैं। जैसे इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको किसी तरीके से कोई वीज़ा नहीं लेना होगा, और कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन नेपाल में जाने के लिए अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको किसी तरीके के वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेपाल में 14 दिन स्टे करना आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सऊदी अरब जाने के लिए अब नेपाल का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नेपाल आप जमीनी रास्ते से नहीं जाएंगे, आप फ्लाइट से ही जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट पर ही आपका डिपार्चर और अराइवल स्टाम्प होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप नेपाल में एंट्री किए हुए हैं और नेपाल में कब आए हुए हैं, नेपाल से कब जाएंगे, उसकी दिनों की काउंटिंग आपके जो पासपोर्ट पे अराइवल और डिपार्चर का एयरपोर्ट पर स्टाम्पिंग होता है उसी से पता चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़मीनी रास्ते से आप नेपाल में एंट्री मत करना, नहीं तो फिर आप सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। बहरहाल तो ये हो गई दोस्तों नेपाल को लेकर बात। तो आप नेपाल से अगर जाना चाहते हो सऊदी अरब, तो नेपाल से भी जा सकते हो। इंडिया से नेपाल जाइए, आप फ्लाइट से जाइए, दिल्ली से फ्लाइटें अवेलेबल हैं, दिल्ली से आप नेपाल जाइए, वहाँ 14 दिन स्टे करिए, उसके बाद आप सऊदी अरब चले जाइए। लेकिन हम सबको दोस्तों उम्मीद है कि इंडिया में जो भी लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रेवल करने की परमिशन मिल जाएगी, जिससे ये जो 14 दिन यहाँ रुकना वहाँ रुकना, इससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों आगे इस पर कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।